हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर संजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिष्टाचार भोपाल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। इन दिस यूनिट आई विल कवर द सिलेबस इज कॉलम स्ट्रट्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यूलर्स फार्मूला फॉर कॉलम्स विथ डिफरेंट एंड कंडीशंस एंड रैंकिन फार्मूला। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट as compared to all the units. It have 4 different derivation based on the end condition of the column. Today I'll cover introduction, that the difference between struts and column, basic definitions and Euler theory, Euler formula and based on the assumptions which are generally used when I derived. That is struts and column. Both are structural member, but have some different differences. Like struts, subjective to compressive force, is called struts. It may be horizontal, vertical, inclined. इसका जो cross section area होगा, वो बहुत small होगा. It carries smaller compressive load. And generally, it's used in roof truss and bridge trusses. Columns, by dimensions, columns is larger than struts. ये केवल आपका vertical होगा, struts आपका vertical, horizontal, inclined तीनों condition में हो सकते हैं, लेकिन जो आपका column होगा वो हमेशा आपका vertical ही होगा. इसका जो cross sectional area होगा कॉलम का हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रट्स. इट्स कैरी हैवी कंप्रेसिव लोड. स्ट्रट्स जो आपका था स्मॉलर कंप्रेसिव लोड था, इसमें आपका हैवी कंप्रेसिव लोड होगा. कॉलम्स आर यूज इन कंक्रीट एंड स्टील बिल्डिंग. तो जितने भी आपके ब्रिज होते हैं, जो आपके घर होते हैं, इन सब में आपका कॉलम या किसी को जैसे पिलर बोलते हो, वो हमेशा आपका वर्टिकल ही होता है. कॉलम आपका पिलर कभी आपका इंक्लाइंड नहीं होता. These are the diagram. That is, struts may be horizontal, inclined, vertical. Column always vertical. Some basic definition. That is, radius of gyration. जब आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो जब आपने देखा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपने एक लेमिना कहीं भी आपने कैसे भी मेंशन किया होगा, फिर आपने एक डिफरेंट एक्सिस लिया होगा कि जैसे यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका कैसे भी आपका सेक्शन कहीं भी ले लिए, ये आपने एक्सिस जिसको हमने ए नाम दिया था वहाँ पे, तो आपका इस एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी इज कॉल्ड द, मान लीजिए उसके सी जी से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस होगा, इसको हमने बोला था वहाँ पे एच नाम दिया था, डिस्टेंस एच, यहाँ पे उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, दैट इज के, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस एट विच इफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेमिना प्लेस्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्सिस डज नॉट चेंज. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कहीं से कोई चेंजेस नहीं होंगे. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. इट इज स्मॉल के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन के, या फिर आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए के स्क्वायर. के रेडियस ऑफ गायरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया. सेकंड डेफिनेशन इज द स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. एल ई रिप्रेजेंट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, के मिनिमम दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. क्रशिंग लोड, द लोड एट विच, यहाँ पे आपको जैसे लोड एट विच द शॉर्ट कॉलम फेल्स, जो आपको शॉर्ट कॉलम फेल होगा तो वहाँ पे बाई क्रशिंग इज कॉल्ड क्रशिंग लोड.
जो आपका लॉन्ग कलम होगा उसमें बकलिंग होता है या बेंडिंग, इस कॉल्ड बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। द लोड एट विच लॉन्ग कॉलम स्टार्ट्स बकल इस कॉल्ड बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। और इट्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लोड, आपने कितना लोड अप्लाई किया, लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम का लेंथ कितना है, एंड कंडीशन ऑफ कॉलम एंड मटेरियल ऑफ द कॉलम। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पे जब भी आप शॉर्ट कॉलम की बात होगा तो उसमें आपको मेंशन करना होगा द लेंथ द कॉलम, ये आपका जो लेंथ लेस देन 8 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर और स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम या स्टकी स्ट्रट्स। इसका फेलियर के रीजन होता है दैट इज क्रशिंग, ये जो आपको फेल होता है ड्यू टू क्रशिंग, कि जब अपने लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो एक स्टेज व्हेन द कॉलम विल बी ऑन पॉइंट ऑफ फेलियर बाय क्रशिंग, तो इस लोड को बोलते हैं क्रशिंग लोड, और जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा सी दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस, पी सी दैट इज क्रशिंग लोड अपॉन एरिया। जितनी भी आपको शॉर्ट कॉलम होते हैं वो उसका फेलियर का रीजन होता है क्या, क्रशिंग की वजह से ही फेल होता है, दूसरा कोई और रीजन नहीं होता। मीडियम साइज, मीडियम साइज वहाँ पे था लेस देन 8 टाइम्स द लेंथ वायरिंग फ्रॉम 8 टू 32 टाइम्स, 8 टू 30 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो लाइंग बिटवीन 32 120 आर कॉल्ड मीडियम साइज कॉलम या इंटरमीडिएट कॉलम्स। इसके फेलियर के रीजन बकलिंग एज वेल एज डायरेक्ट स्ट्रेस आर द सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो बकल हो सकता है या क्रशिंग, दोनों की वजह से ये आपका फेल हो सकता है। लॉन्ग कॉलम कि द लेंथ मोर देन 30 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर आर स्लेंडरनेस रेशियो मोर देन 120 आर कॉल्ड लॉन्ग कॉलम, और इसमें जो फेलियर के रीजन होता है ओनली एंड ओनली बकलिंग। स्ट्रेंथ, कॉलम का स्ट्रेंथ डिपेंड्स करता है स्लेंडरनेस रेशियो पे, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो इज इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिक्रीज एज द टेंडेंसी टू बकल इज इंक्रीज्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन द एंड कंडीशन आल्सो, एंड कंडीशन बोथ इन हिंज्ड, बोथ इन फिक्स्ड, वन इन फिक्स्ड अदर हिंज, वन इन फिक्स्ड एंड अदर फ्री। यूलर्स फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर पी दैट इज क्रिटिकल लोड, दैट इज इसको मैक्सिमम लोड ही बोलते हैं, एल ई दैट इफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द स्ट्रट्स या कॉलम। एजप्शंस जब भी यूलर फार्मूला को जनरली अप्लाई करते हैं, ये आपको सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए होगा, इट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। इसमें जो मटेरियल, इसमें हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और इसमें हमेशा आपका एक्सियल लोड होना चाहिए। कॉलम के फेलियर के रीजन सिर्फ आपका बकलिंग होना चाहिए, ना कि दूसरा कोई और रीजन्स की वजह से फेल हो। कि जब भी कॉलम इज स्ट्रेट बिफोर अप्लीकेशन ऑफ लोड, कॉलम आपको स्ट्रेट होना चाहिए कि जो आप अप्लाई करने से पहले। साइन कन्वेंशन, तो जैसे हमने बेंडिंग स्ट्रेस में साइन कन्वेंशन लिया था, कॉन्वेक्स को हमने लिया पॉजिटिव, कॉनकेव को निगेटिव, जब आप डेरिवेशन करें देखेंगे तो ये सारा कन्वेंशन को हम साइन कन्वेंशन को माइंड में रखना होगा यार। इक्विवेलेंट लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ या सिंपल कॉलम लेंथ, इसको डिनोट किए हैं एल ई से। ये आपके एंड कंडीशन हैं जो आपके ऐसी को टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो आपको कॉलम में यूज किया जाएगा, पिन सपोर्ट, दोनों एंड आपका पिन ज्वाइंट हो, इसका फिक्स्ड एंड फ्री, एक एंड फ्री है, दूसरा आपका फिक्स्ड है, दोनों एंड आपके फिक्स हैं, और आपका वन इन फिक्स्ड एंड वन इन पिन ज्वाइंट। तो ये आपके चार टाइप्स के कंडीशन, कॉलम एंड कंडीशन जो अभी आपको हम आगे यूज करेंगे जब भी हम डेरिवेशन करने जाएंगे, तो ये सारा चीज़ हमें देखना होगा। अब इसमें ये चारों कंडीशन ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी बेस में आपके सारे न्यूमेरिकल्स डिपेंड करेंगे। इससे हम इस कंडीशन से हम यूलर्स फार्मूला, जो डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट फार्मूला होगा, उसको हम डिराइव करेंगे। इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ कॉलम्स, जो हमने चारों कंडीशन आपसे बताया, उन चारों कंडीशन बेस्ड में हम आपसे डेरिवेशन डिराइव करेंगे, और उसी बेस में न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।